जनपद मैनपुरी में अपाचे बाइक सवार बदमाशों के आतंक से क्षेत्र में दहशत फैली हुई थी। थाना करहल व थाना कुर्रा क्षेत्र में अपाचे सवार बदमाश लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते बीते 16 अगस्त को करहल थाना क्षेत्र के ग्राम किरथुआ निवासी एक दंपत्ति अपनी बाइक से सवार होकर कस्बा करण के बाईपास रोड पर दवा लेने जा रहा था। तभी लालन की अपाचे पर सवार दो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर उनके कब्जे से मंगलसूत्र, अंगूठी व कानों की कुंडल एवं एक मोबाइल लूट लिया था। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। तो वहीं 18 अप्रैल को कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पत्तारा मार्ग पर एक दंपत्ति से लूट कर अज्ञात अपाचे सवार बदमाश भाग जाने में सफल हो गए थे। घटना की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार थाना कुर्रा, थाना करहल की पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम शातिर लुटेरों की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पाकर लूटे हुए माल की बिक्री करने जा रही हैं। बाइक पर सवार दो लुटेरे पीछा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान रामू और राम कुमार निवासी कुरसंडा थाना किशनी, उसके साथ सोनू शर्मा निवासी कटखेड़ा थाना जसवंत नगर जनपद इटावा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने के बाद लूट के आभूषणों की खरीद करने वाले शराब व्यवसायी रामकिशन निवासी ग्राम बिखरा थाना बिधुना जनपद अरैया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में लाखों के आभूषण व 315 बोर के दो तमंचे सहित लूट में शामिल लाल रंग की अपाचे भी बरामद की है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पुलिस टीम को 25,000 का नगद इनाम भी घोषित किया है। पिछले दिनों इधर जनपद में और पड़ोस के जनपद इटावा में कई घटनाएं हुई थी लूट की। तभी से हमारी सर्विलांस की टीम, इंस्पेक्टर कुर्रा, इंस्पेक्टर करहल, इसमें कई टीमें लगी हुई थी और मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस, मुखबिरी सभी के आधार पर इसमें आज देख रहे हैं कि दो साथी अभियुक्त, जिसमें एक रामू है, दूसरा सोनू है और खरीदार जो कि बिदुना और रैया कराने वाला है सुनार, ये गिरफ्तार किए गए हैं। रामू जो कि यहीं पे किसनी थाना क्षेत्र कराने वाला है और दूसरा अभियुक्त जो कि ये जसवंत नगर इटावा का है। रामू के ऊपर पहले भी कम से कम 12-15 मुकदमे हैं और ये शातिर अपराधी था। ये चलते हुए लोगों से मोटरसाइकिल आगे लगा करके और इस तरह लूट की घटनाएं कर रहा था। इन अभियुक्तों के पास से यहाँ के दोनों मामलों में लूटे हुए सामान, साथ में चौबिया थाना इटावा और उसराहार थाना, वहाँ भी लूट की घटनाएं इन्होंने खरीद की थी। सभी वहाँ के जो आवेदक हैं उन्होंने पहचान लिया है और उनका भी सामान इसमें है। मैं इकट्ठे के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के समय में इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल यूज़ की थी वो भी मोटरसाइकिल भी मरम्मत की गई। सर जो पर्दाफाश करने वाली टीम को सर आप क्या मतलब जो चले ठीक है, इनको पूरी टीम को इतने जल्दी सफलतापूर्वक वर्कआउट करने के लिए और साथ में सही अभियुक्तों का गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम सर्विलांस करहल और इसमें कुर्रा संयोग से उनकी ड्यूटी लगी हुई है, पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाता है।